हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने मूवी देखी रायलेन, जिसका रन टाइम लगभग 1 घंटे 22 मिनट के आसपास का है। एक लड़का लड़की मिलते हैं, उनके बीच स्पार्क होता है, प्यार परवान चढ़ जाता है। अचानक ही एक छुपाई की बात सामने आती है, प्यार टूटने की कगार तक पहुंच जाता है और फिर आगे क्या होने वाला है ये हम सबको पता है। कौ सदियों से चली आ रही जेनेरिक का रोम कॉम मूवी की प्लॉट लाइन यही रही है और रायलेन भी इससे कुछ हटकर नहीं है। वही सिंपल स्टोरी दोहराई जा रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ कूल कैरेक्टर्स के थ्रू, जो उनकी केमिस्ट्री है, ब्रिलियंट कलर्स और अच्छे म्यूज़िक के थ्रू यहाँ पर एक आर्टिस्टिक ट्विस्ट देने की सक्सेसफुल कोशिश ज़रूर की गई है। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पूरी मूवी को देखकर, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी रायलेन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जो लड़का लड़की यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो हैं डोम और यास। डोम एक फ्रजाइल लड़का है, सीधा साधा सा है, उसका भी एक बैड ब्रेकअप हो रखा है, वो बहुत सैड फेज ऑफ लाइफ में चल रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया है और फिर डंप कर दिया है। दूसरी तरफ जो यास है वो हाई स्पिरिटेड गर्ल दिखाई जा रही है, हैप्पी गो लकी टाइप की लग रही है। उसका भी एक ब्रेकअप हुआ और वो कहती है कि उसने डंप किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चलने लगेगा कि वो बहुत ही प्रिटेंशियस बिहेव कर रही है, कुछ ज़्यादा ही चिल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। उसकी भी बैक स्टोरी आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। अब शुरू शुरू में जो यास है वो डोम की हेल्प कर देती है, दोनों में धीरे धीरे कनेक्शन बैठने लगता है। फिर थर्ड वाली स्टेज आ जाती है, प्यार परवान चढ़ता है। फिर फोर्थ स्टेज आती है, कुछ छुपाई गई बातें सामने आती हैं, प्यार टूटने की कगार तक पहुंच जाता है। आखिरी स्टेज में फिर क्या होने वाला है, अगर आपने बहुत सारी रोम कॉम एक्सप्लोर कर रखी हैं तब तो आपको एक एक्सेप्टेंस का लेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ, वही चीज़ें आपको डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं देखकर। और अगर आपने बहुत सारी रोमांटिक कॉमेडी नहीं देखी है, आप इस फील्ड में नए हैं, तब तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा और ये आपके लिए, अगर मैं बता दूंगी तो ये आपके लिए एक स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप मूवी देखकर ही पता करेगा कि आगे क्या हुआ है। सो मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव्स बताऊंगी इस मूवी के, जो मुझे बहुत पसंद आए हैं, और कुछ नेगेटिव्स भी हैं यहाँ पर। सो द पहला पॉजिटिव विल बी, यहाँ पर जो साउथ लंदन के ब्लैक पीपल दिखाए गए हैं उनको आप अप क्लोज एंड पर्सनल जान सकते हैं इस मूवी के थ्रू। कॉज विद इन द कम्युनिटी क्या चल रहा है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, उनके जोक्स क्या होते हैं, वो किस तरीके की बातें करते हैं, इसमें बहुत अच्छे से एलैबोरेट फॉर्म में दिखाई गई हैं। देन सेकेंड चीज़ हो जाएगी, यहाँ का जो ह्यूमर है, जोक्स हैं, वो दो कल्चर स्पेसिफिक है, स्टिल उनके साथ जो सरकैज़्म मिक्स किया गया है, अगर आप उसे आराम से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाली है, मुझे बहुत फनी लगे हैं वो जोक्स। देन थर्ड चीज हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, कहानी बहुत सिंपल है, रियलिस्टिक भी लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्श और ब्लंट वे में आपके तक पहुंचाई नहीं जाती है, उसे बहुत ही पेपी बनाकर, फंकी बनाकर आप तक पहुंचाया जाता है, जो कि आपको बोर नहीं होने देगा। एंड ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करने वाले हैं लोग, वो इस मूवी को बहुत एंजॉय कर पाएंगे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो मूवीज़ बनाई जाती हैं, अगर वो रीजन स्पेसिफिक हैं, किसी रीजन की हैं, तो वहाँ के जो रीजनल ग्रुप्स हैं वही उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उनके लोकल जोक्स, उनकी बातें वहाँ उसमें इंक्लूडेड होती है, और यही इस मूवी के साथ भी हुआ है। देन सेकेंड चीज़ हो जाएगी, कहानी बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है और एंडिंग मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, जितनी बैंग के साथ मैंने इसकी एंडिंग सोची थी वो मुझे नहीं मिल पाई है। स्टिल आप अगर एक डिफरेंट टाइप ऑफ रोम कॉम देखना चाहते हैं जिसमें स्टोरी वही सुनी सुनाई हो, देन यू कैन गो फॉर दिस। दैट्स इट, बाय।